हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास। आज हम आपको इस टॉपिक में जो है तो वॉइस और वॉइस के प्रकार बताएंगे, साथ में जानेंगे कि वॉइस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वॉइस को हिंदी में जो है तो वाच कहा जाता है। वाच इसके नाम से ही पता है, वाच मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ब से रिलेटेड है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के परिवर्तित रूप को जो है तो वाच कहा जाता है। मतलब वाच की कंडीशन में जो वर्ब होती है उसमें बदलाव हो जाता है। जैसे कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या कि पैसिव वॉइस में को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब ही उसमें मेन जो है तो चेंजेस होती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्रिया के परिवर्तित रूप को जो है तो वाच कहते हैं। वॉइस जो है तो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में जो है तो कर्तृवाच्य बोलते हैं, कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस को जो है तो हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं, कर्मवाच्य। तो इनके नेम से ही पता है, कर्तृवाच्य मतलब क्रिया का वह रूप जिसमें जो है तो कर्ता की प्रधानता होती है, या कि कह सकते हैं हम कि क्रिया का या कि वर्ब का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता को ही सब कुछ मान लिया जाता है। कर्ता का मतलब जो कार्य करने वाला होता है, मतलब उसे ही यदि किसी सेंटेंस में मेन दर्जा दे दिया जाए, उसको प्रमुख मान लिया जाए, तो वही जो है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है वो। और इसी के विपरीत यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को जो है तो मुख्य मान लिया जाए, ऑब्जेक्ट को प्रधान मान लिया जाए, मतलब ऑब्जेक्ट के बिना उस सेंटेंस का कोई मतलब ना निकले, ऑब्जेक्ट ही सब कुछ हो उसमें, तो इस तरह के सेंटेंसेज को जो है तो पैसिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो ऐसा आप इसको जो है तो समझ लीजिए, इसको हमको लिखने की जरूरत ना हो, आप ऐसे ही इसको समझ जाइए। तो आप ये जान लीजिए कि वॉइस जो है तो टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्रिया का वह रूप है जिसमें जो है तो सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कार्य करने वाले को ही प्रमुख माना जाता है। इसकी पहचान ये है कि जो सबसे पहले होता है वही सब्जेक्ट है, मतलब उसी को जो है तो हम प्रमुख मानेंगे। और पैसिव वॉइस में जो सबसे लास्ट में होता है उसको जो है तो सब्जेक्ट के स्थान पर जो है तो रख दिया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट कह सकते हैं एक तरह से, और ऑब्जेक्ट को ही जो है तो प्रमुख मान लिया जाता है, उसी को प्रधान मान लिया जाता है, तो वही जो है तो पैसिव वॉइस होता है। इसका जैसे हम एग्जाम्पल्स यहाँ एक ले रहे हैं कि ही रीड्स अ बुक, ये मैंने एक राइट कर दिया, ही रीड्स अ बुक, ये एक सेंटेंस है, ये एक एक्टिव वॉइस है, क्योंकि जो मैंने टेंस आपको बताया है अपने पिछले वीडियोज में तो वो जो है तो एक्टिव वॉइस ही है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज हैं वो। और ये भी एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ही रीड्स अ बुक, मतलब वह पुस्तक जो है तो पढ़ता है या कि वह एक किताब पढ़ता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, मतलब कार्य करने वाला वह है, तो ये सब्जेक्ट और ये जो है तो ऑब्जेक्ट। तो ये इस ऑब्जेक्ट को जो है तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, और ये जो है तो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो है तो रखेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस जब कन्वर्ट करेंगे तो ए बुक को हम सबसे पहले राइट कर देंगे, तो ए बुक हो जाएगा, या कि आ बुक इसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद जो है तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो वर्ब लगती है, तो अ बुक से रिलेटेड जो है तो इज लग जाएगा। अब यहाँ मैंने इज इसलिए लगाया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल होता है,
कि जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके आगे वाले टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसलिए मैंने आ बुक से रिलेटेड जो है तो इज यहाँ राइट किया है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करेंगे तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है तो यहाँ हम रीड राइट कर देंगे। इसके बाद एक प्रीपोजिशन जो है तो वर्ड रखा जाता है बाय, तो यहाँ हम बाय राइट कर देंगे। इसके बाद जो प्रोनाउन फर्स्ट में है मतलब सब्जेक्ट ही है तो इसको सबसे लास्ट में रखेंगे जो है तो ऑब्जेक्ट के स्थान में जो है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पे, मतलब एक्टिव वॉइस का जो है तो सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो उसकी जगह रखेंगे, लेकिन प्रोनाउन को जो है तो चेंज करके तो ही का प्रोनाउन जो है तो चेंज जब होगा तो इसको ही को हम हिम में जो है तो राइट कर देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसका मतलब हो जाएगा पुस्तक उसके द्वारा जो है तो पढ़ी जाती है। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल्स आपको जो है तो बताया है। इसके आगे मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम जो है तो पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए बगल में बेल आइकन को दबा लें जिससे कि जब भी मैं इस प्रकार की कोई वीडियोज अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।